हेलो गाइस, वेलकम ऑन डिज़ाइन कट्टा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्केचर का ट्यूटोरियल नंबर 6। तो चलिए चलते हैं कटिया में। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट में, देन सेकंड मैकेनिकल डिज़ाइन, और उसके बाद में थर्ड स्केचर में। हम जैसे स्केचर को क्लिक करेंगे, ये पूछता है हमारे पार्ट का नेम, यानी कि हम जो कुछ भी वर्क करने वाले, जो कुछ भी प्रोजेक्ट करने वाले उसका नाम। क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल नंबर 6 है तो इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ ट्यूटोरियल नंबर। ऐसे ही ओके करूँगा, कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस मेरे सामने खुल जाता है। इसके बाद ये पूछता है कि मुझे किस प्लेन पर ड्रॉ करना है। मैं जहाँ चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली प्लेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि XY, YZ और ZX, या फिर यहाँ से डायरेक्टली प्लेन पर क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से XY प्लेन पर क्लिक कर, इसकी पहली वीडियोस में हम देख चुके हैं प्रोफाइल टूल बार, रेक्टेंगल टूल बार, सर्कल टूल बार, स्पाइन टूल बार, एलिप्स टूल बार, और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले लाइन टूल बार। मैं जैसे ही इस एरो पर क्लिक करता हूँ, लाइन का सब टूल बार मेरे सामने खुलकर आ जाता है। मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। कुछ इतने सारे मेरे पास जो है सब टूल बार में टूल्स है, जो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं, जैसे कि लाइन, इन्फिनिटी लाइन, बाय टेंजेंट लाइन, बाय सेक्शन लाइन, एंड लास्ट इज लाइन नॉर्मल टू कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लाइन। लाइन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई स्केच है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लाइन को सेट कर सकते हैं, इस तरह कहाँ भी सेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन लेता हूँ और अब मुझे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर डालने हैं। मान लीजिए कि जो मेरी लाइन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है हॉरिजॉन्टल 50 से, तो मुझे यहाँ पर डालना है 50 और बाद में करना है इसे एंटर करूँगा, ये जो है हॉरिजॉन्टली 50 पर लॉक हो जाएगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं हो सकता है ये कोऑर्डिनेट्स। बाद में मुझे दबाना है टैब। अब मान लीजिए जो मेरा वर्टिकली स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है 30 से, तो मैं डालूंगा 30, उसके बाद फिर से ऐसे ही एंटर करूंगा, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आ चुका है। उसके बाद में मुझे डालना है, या तो अगर मेरे पास लाइन की लेंथ है तो मैं डायरेक्टली लेंथ डाल सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास एंड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं एंड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स डाल सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं, अब मेरे पास लेंथ है, तो मैं लेंथ डालता हूँ 80, यहाँ पे मैंने 80 लेंथ डाली। बाद में मैं करूँगा एंड, जैसे एंटर करता हूँ ये जो मेरे लाइन का लेंथ है ये लॉक हो चुका है। इसके बाद में ये लाइन का लेंथ चेंज नहीं होगा। और लास्ट में ये मुझे पूछता है कि मैं इस लाइन का जो डिग्री है, जो एंगल है वो कितना देना चाहता हूँ। तो मैं देना चाहता हूँ 30, मैंने डाला 30, उसके बाद में करना है एंड। जैसे एंटर करूँगा तो वो मुझे सारे के सारे डायमेंशन देगा और मेरे जो लाइन है वो भी बना देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला था हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग पॉइंट 50, वर्टिकली 30 और लाइन का लेंथ 80, एंड जो एंगल है लाइन का वो 30 डिग्री। तो इस तरह दो वे से हम लाइन बना सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इन्फिनिटी लाइन। इन्फिनिटी लाइन हम रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसे एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लिया है, यह है मेरा इन्फिनिटी लाइन, और मैंने कुछ ड्राइंग बना लिया है इस तरह से। और अब मैं चाहता हूँ कि इसी रेफरेंस लाइन को मैं मेरे स्केच में लाऊँ या एडिट करूँ, तो मैं यहाँ से उसे एडिट भी कर सकता हूँ। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। तो इसी तरह इन्फिनिटी लाइन चाहे तो मैं रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं स्केच बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरा आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे लाइन का टाइप है बाय टेंजेंट लाइन। अगर मेरे पास कुछ उस और उसके लिए मुझे पहले कुछ सर्कल बनाने होंगे, तो बनाता हूँ ये मेरा पहला सर्कल,
और अगर मैं किसी टूल को बार बार यूज़ करना चाहूँ, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, मुझे उसे सिंपली दो बार क्लिक करना है। मैंने इस सर्कल को दो बार क्लिक किया और मैं चाहे जितने सर्कल यहाँ पर बना सकता हूँ। ये मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं और अब मैं जाता हूँ बाय टेंजेंट लाइन पर। अगर मैं इस दोनों सर्कल को टेंजेंट करते हुए एक लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन चाहता हूँ इस सर्कल के इस पॉइंट तक, मुझे सिंपली यहाँ पर करना है। अगर मैं इसी सर्कल को यहाँ से टेंजेंट करना चाहता हूँ तो मैं इस सर्कल के इस पॉइंट को, इस सर्कल के इस पॉइंट को मुझे क्लिक करना है। मुझे अगर मैं बार बार यूज़ करना चाहूँ तो मुझे इसे डबल क्लिक करना होगा। इसे डबल क्लिक करता हूँ, इस सर्कल का ए पॉइंट और इस सर्कल का ये पॉइंट, इस तरह मैंने इसे टेंजेंट कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह मैं बड़ी सी बड़ी ड्राइंग आसानी से बना सकता हूँ बाय टेंजेंट का यूज़ करके। तरह से ये हुआ बाय टेंजेंट लाइन। उसके बाद में आता है बाइसेक्शन लाइन। अगर हमें किसी स्केच का या किसी ड्राइंग का सेक्शन करना है हम इसे यूज करते हैं। ताकि मैं बार बार इसका यूज कर सकूं, कुछ इस प्रकार जो है मेरी ड्राइंग है समझ लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अब देखेंगे हम बाइसेक्शन, जिसे मैंने यहाँ पे ला लिया है, यह है मेरा बाइसेक्शन लाइन। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और चाहता हूँ कि इन दोनों के सेंटर पर मैं एक बाइसेक्शन लाइन बनाऊँ जिससे वो दो सेक्शन में बट जाए। तो मुझे सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद में ये मुझे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा फर्स्ट लाइन। उसके बाद में मुझे सेकंड लाइन सिलेक्ट करना है, तो ये मेरी सेकंड लाइन। तो इस दोनों लाइन के बीच में जो है एक मुझे सेक्शन लाइन मिल गया है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से एक सेक्शन बनाऊँ तो मैं यहाँ से एक सेक्शन बना सकता हूँ, इसलिए मैं इसे डबल क्लिक करता और यहाँ से इन दोनों के लाइन के बीच एक सेक्शन चाहता हूँ, तो यहाँ से भी एक सेक्शन बनाऊँगा। मैं चाहूँ तो एक्सिस का भी यूज़ कर सकता हूँ इन दोनों के बीच में। इस तरह यह है मेरा बाइसेक्शन लाइन। इसके बाद में मेरा आता है लाइन नॉर्मल टू कर्व। इसके लिए मुझे एक सर्कल चाहिए या फिर एक कर्व, मैं चाहे तो एक कर्व भी ले सकता हूँ। लाइन नॉर्मल टू कर्व, इस सर्कल से बराबर नॉर्मल में यानी कि इस पॉइंट से पैरेलल एक लाइन बना सकता हूँ इससे, इस तरह से। सिंपली मुझे सर्कल पर करना है जहाँ से मैं चाहता हूँ चाहता हूँ इस तरह में बना सकता हूँ पैरेलल लाइन, नॉर्मल लाइन 90 डिग्री की नॉर्मल लाइन में यहाँ से बना सकता हूँ जो कि मेरी सेंटर से होकर के गुजरेगी। ऐसे करता हूँ डबल क्लिक, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा ये किस तरह की ड्राइंग्स के लिए काम आता है। अगर मेरा कोई ऐसा पेचीदा ड्राइंग है तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा लाइन सब टूलबार है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आपको सिंपली वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना है, और साथ में ये भी कमेंट करना है कि आप अगला वीडियो किस पॉइंट पर चाहते हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।